हमार विंध स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। नमस्कार, अपना पंचे देख रहे हैं विराट के बघेली बुलेटिन पूजा के साथ। रीवा जिला में ही एक दिन माँ तीन जगह से रेप के खबर रही, जहां लौर थाना क्षेत्र में ही युवती का बंधक बनाए के उनके संगी दुष्कर्म कीनगा, तो वहीं रीवा विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में ही चाकू के नोक में ही महिला का शिकार बनावागा। ये मामला में ही महिलाओं के ऊपर आरोपी ऑटो चालक मोबाइल और पैसा के लूट के शिकायत दर्ज कराई। वह हनुमाना थाना क्षेत्र में ही 16 साल के किशोरी का अपहरण करके उनके साथ दुष्कर्म के घटना कीन गए। पुलिस तिनहू मामलन में ही जांच कर रही है और आरोपी के ऊपर अपहरण दुष्कर्म पॉक्सो एक्ट के धारण में ही मामला पंजीबद्ध करके कार्रवाई कर रही। बुलेटिन की अगली खबर सीधी के चोरहट से है, जहां के बेलदाव गांव में ही सड़क दुर्घटना में कई एक जने घायल हो गए। बतावा जात है कि ट्रैक्टर खैरा से बढ़ौरा के मंदिर जात रहा, जहां अचानक बेलदाह के कठौतहा में ही ट्रैक्टर सड़क दुर्घटना के शिकार होगा। यह हादसा के जानकारी लगता है खैरा के समाज सेवी आदर्श शुक्ला एम्बुलेंस और पुलिस के जानकारी दीहीन, वहां घायलन का ही ट्रैक्टर से बहरे काढ़िन, घायलन का ही स्वास्थ्य केंद्र सिमरिया में भर्ती कराइन। गंभीर घायल 12 जनिन का जिला अस्पताल सीधी ता एक जने का रीवा में अस्पताल में रेफर कीन गा है। वहां जिनका थोड़ मोड़ चोट लगी रही उनका इलाज करके उनके घरे भेज दिन गा। सिंगरौली जिला के तियरा गाँव के राशन डीलर के गाँव बालन का राशन न दे के मामला सौहिया बाहर, वहाँ एकर शिकायत गांव वाले कलेक्टर से करें। गांव वाले आरोप लगाए के बताएं कि राशन के डीलर 3 महीना से केहू का राशन नहीं दे रहा, एक कारण गांव वाले परेशान हो रहे हमा। वहाँ शिकायत के बाद डीएम सलगे मामला का जांच मा ले के बात कही नहीं बैठ। सीधी जिला के थोक सब्जी मंडी में ही दुजने के बीच विवाद होगा। आरोपी अभिषेक सिंह अपने सार के ऑटो में ही तोड़फोड़ करके फरार होगा। जानकारी मिली कि अभिषेक सिंह बघेल रामपुर बघेलान सतना के रहने वाला है, जे ऑटो संचालक के जी जाए। वहीं मौके में कोतवाली पुलिस पहुंच के जांच कर रही है। अगली खबर रीवा जिला से है, जहां शादी के कार्यक्रम में ही फोटोग्राफी खातिर जाए वाले 2 कैमरामैन के संगे लूट हो गए। मोटरसाइकिल में 2 जने बैकुंठपुर केवटी रास्ता से शाहपुर गांव जात रहे, पर खदिहाई मोड़ के लगे बुलेरो में बैठे 4 बदमाश मोटरसाइकिल का टक्कर मार के गिराए दिन। वहीं गिरते मारपीट करके दोनों का धमरा करके मोबाइल कैमरा और नकदी लूट के भाग गए। आई सुनी सलगी घटना के बारे में का बतावा जा रहा है। लेके शाहपुर जा रहे थे, पीछे से गाड़ी में टक्कर मारे और जब गिर गया तो हाकी निकाले और तुरंत मारपीट चालू कर दी। कितने बजे की घटना है ये? 9:30 बजे घटना है। कितने आरोपी काहे में थे? आरोपी ब्लोरो में थे। 4 लोग? 4 लोग थे। पहले कभी? कभी नहीं, कोई उनसे कोई वो नहीं था। अच्छा, बैग में कैमरा वगैरह क्या था? कैमरा था, वीडियो था और पैसे वगैरह पर्स में थे। अच्छा। तो सब छीन ले गए, कैमरा ले गए, मोबाइल दो ले गए, जितना था ब्लूटूथ तक नहीं छोड़े। खबर रीवा से है, जहां आकाशवाणी के कलाकार नई नीति के भी लगातार विरोध कर रहा हमा। जौन मेर से आकाशवाणी से बोली के कार्यक्रम बंद कई दिन गे हाँ, उसे लोक कलाकारन माही गुस्सा है। आकाशवाणी से जुड़े कलाकार आगे के रणनीति के चर्चा करे खातिर वरिष्ठ साहित्यकार चंद्रिका चंद्र कहिन के बोली के बिना हिंदी अधूरी है और मध्य प्रदेश माही जौन मेर से बोली के कार्यक्रम की जाला हमा, या एक दोहरी नीति आए। 21 से सरकार बोलिन के विकास के बात कहा थी, तो वही दूसर कई बोली के कार्यक्रम बंद हो ला है, ये दुखद आए। ये तो बहुत तकलीफ की बात है, क्योंकि ये हास्यास्पद तो है ही, बड़ा मतलब हम सबके लिए दुखद भी है। जिस बघेली बोली ने आकाशवाणी को विंध्य प्रदेश में स्थापित किया, जब बघेली में अपने चौपाल आया, गृहलक्ष्मी आई, बघेली माटी के गीत आए, तब लोगों ने रेडियो को अपने घर में स्थापित किया। नहीं, रेडियो तो बहुत थे लेकिन नहीं सुनते थे लोग। तो विंध्य प्रदेश के लोगों ने बघेली बोली में कार्यक्रम आने के बाद रेडियो के कार्यक्रम सुनने चालू किए। तो यूं कहें कि जिस बघेली बोली ने आकाशवाणी की लोकप्रियता बढ़ाई, उसका एक सम्मान गाँव-गाँव तक फैलाया, और उसी आकाशवाणी के माध्यम से बघेली बोली के प्रसारण को रोक दिया जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम शासन प्रशासन से निवेदन करते हैं कि जहां हमारी नई शिक्षा नीति में बोलियों को प्राथमिकता देने की बात कही जा रही है, और जहां से बोलियां हमारे घर घर तक पहुंच रही हैं, तो उस संस्थान से प्रसारण बंद किया दिया जाएगा, तो यह तो समझ में नहीं आता है। आकाशवाणी की इस प्रसार भारती की इस नीति का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि बोलियों का प्रसारण बंद किया जा रहा है।
जबकि बोलियों के प्रसारण के लिए यह आकाशवाणी केंद्र खोले गए थे। रीवा में बघेली के प्रसारण के लिए आकाशवाणी केंद्र खोला गया था और इंदौर, भोपाल, जबलपुर, छतरपुर जहाँ बोलियों के विकास के लिए। अब वो बंद इसलिए बंद किया जा रहा है और उसके बंद करने से हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी लोक पहचान, जो हमारी पहचान हुआ करती, जो हिंदी की पहचान हुआ करती, जो धीरे धीरे समाप्त करने की परंपरा जारी। अभी हम लोग मिले नहीं हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। इस बारे में हम देख रहे हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है सरकारों को। दूसरे स्टेट्स में हम देखते हैं बोलियों को कितना बढ़ावा दिया जा रहा, और हमारी बघेली और अन्य बोलियाँ जो हमारी चार हैं प्रमुख बोलियाँ मध्य प्रदेश की, उनको ख़त्म करने की एक साजिश हो रही है। जबकि अब हमारे यहाँ इन बोलियों में बहुत सारे रचनात्मक काम होने लगे हैं, हर विधाओं में लिखा जा रहा है, तमाम किताबें आ गई हैं, और हमारी बोली अब युवावस्था को जब पहुँच चुकी थी तब जाकर के ये साजिश सी लग रही है हमको केंद्र की। हम मान ली यह कहा चाहते कि बड़ा दुख हो रहा है, जौने से हम बघेली माने बोला सीखन, जौने कार्यक्रम को सुन के हम ऐसा लाग के हमू पंचन का ऐसा काम करे चाहे कोनो कार्य लोकगीत हो या चौपाल शाम के कार्यक्रम आवत रहा अपने बोली के लेके घर आंगन हो गया, तो जितने कार्यक्रम अपने बोली के लेके बंद हो रहे हैं, जब माने ये आइडियोन सुन के रेडियोन सुन के पला बढ़ा है। ठीक है, आज जमाना बदला, वीडियो में आएगा वह चीज़, तो आकाशवाणी को परिवर्तित कर दे चाहिए, कार्यक्रम बंद न करे चाहिए। बघेली भाषा में ही पहल फिल्म प्रीत के बंधन आज सिनेमा घरे में रिलीज हो गए है। यह फिल्म बघेली भाषा में बनी है, जो उन समाज में फैली कुरीतिन के कटाक्ष कई के बनाई गई है। ये फिल्म का देखे खातिर रीवा के विधायक राजेंद्र शुक्ला समदड़िया गोल्ड पहुंचे है। फिल्म के निर्देशक निर्माता साथ ही कलाकारों खातिर बधाई दीन। वो कहन के बहुते समय से बिंध माही अपने भाषा में फिल्म बनावे के मांग की जात रही है। वह यह फिल्म अपने भाषा और संस्कृति का राष्ट्रीय स्तर में पहुंचावे के अच्छा माध्यम बन सकत ही। अपना को बताई दे कि सिनेमा घरे में आज ये फिल्म के पहल सो रहा, जहां अच्छी खासी दर्शकन के भीड़ देखे का मिली। आई सुनाई थे फिल्म के बारे में ही का जानकारी दिन चल रही है। बघेली भाषा पर आधारित पहली फिल्म जो रिलीज हुई वो आज हम लोगों ने यहां पर देखा, और बहुत ही अच्छे थीम पर, बहुत अच्छी कहानी पर, समाज की कुरीति पर, हमारी भाषा पर जिस प्रकार से ये फिल्म का निर्माण किया गया है, मैं निर्माता सहित सभी कलाकारों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और विंध्य में लंबे समय से ये मांग रही है कि जिस तरह से भोजपुरी भाषा में फिल्में बनती हैं, तमिल, तेलुगु और कन्नड़, मलयालम में फिल्में बनती हैं, बघेली भाषा में भी यदि फिल्में बनना शुरू हो जाएं तो हमारे यहाँ इस फिल्म के माध्यम से भी रोज़गार के अवसर तैयार होंगे, कलाकारों को प्रोत्साहन मिलेगा और हमारी बघेली भाषा का प्रचार प्रसार भी होगा। तो मैं इस फिल्म की ये सफल होगी ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि फिल्म में जो कहानी है वो समाज की बुराइयों को समाप्त करने वाली है। सभी कलाकारों ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। बहुत पुरानी मार्ग, लोगों ने प्रयास किया, बनाया है, सभी बहुत बधाई के पात्र हैं।